तो आज का हमारा टॉपिक है वाल्व्स। क्या होते हैं वाल्व्स, टाइप्स ऑफ वाल्व, देखिए क्या होता है वाल्व। ठीक, वाल्व इज अ डिवाइस इधर टू कंट्रोल फ्लो रेट और स्टॉप फ्लो रेट ऑफ फ्लूड थ्रू पाइपलाइन एंड फ्रॉम प्रोसेस इक्विपमेंट। मतलब वाल्व जो होता है एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी इक्विपमेंट के थ्रू, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूड का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो वेरियस टाइप्स वाल्व हैं जो हम अब देखेंगे बेस्ड अपॉन देखिए सर्विस कंडीशन के हिसाब से। बहुत सारे वाल्व हैं जैसे गेट वाल्व, प्लग वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, गोल बल वाल्व, डायफ्राम वाल्व, चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व ऑल्सो नोन एज कंट्रोल वाल्व, नीडल वाल्व एंड बॉल वाल्व। चलिए देखते हैं गेट वाल्व। ओके, देखिए गेट वाल्व, गेट वाल्व है। गेट वाल्व का यूज़ क्यों किया जाता है? गेट वाल्व का यूज़ किया जाता है या तो पूरा देखो प्रोसेस ड्रॉप स्टॉप फ्लो रैदर देन कंट्रोल, मतलब कि इसमें कंट्रोल नहीं बल्कि स्टॉप और स्टार्ट किया जाता है इसमें गेट वाल्व में। स्टॉप और स्टार्ट कैसे? क्योंकि फ्लो फ्लूड इधर अंदर जाएगा, इसको ऊपर उठा देंगे तो फ्लूड जाएगा, नीचे कर देंगे तो फ्लूड नहीं जाएगा, बस इसका यही काम होता है। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे गोल बल वाल्व। ठीक, गोल बल वाल्व, गोल बल वाल्व का भी काम बटरफ्लाई का होता है, सॉरी बटरफ्लाई बोल रहे हैं, गेट वाल्व की तरह ही होता है। ठीक, मतलब कि इसमें प्रेशर ड्रॉप को कंट्रोल करना, बस इसमें प्रेशर ड्रॉप जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। कहें देखिए, जब यहाँ से आता है फ्लूड तो उसमें फ्लूड सीधे निकल जाता था। ठीक, लेकिन इसमें जो फ्लूड आता है यहाँ से ऐसे आता है तो इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है फ्लूड का ज़्यादा होता है। इसका भी काम है ओपन और क्लोज का। ठीक, इसके बाद से हम देखेंगे चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक, इसमें दिया नहीं है फिगर। ठीक, तो इसका उसका हम फिगर देखेंगे, फिगर हम बनाए हैं आपको दिखा। देखिए फिगर है चेक वाल्व का। चेक वाल्व का काम क्या होता है कि जब फ्लूड अंदर आएगा, ठीक फ्लूड अंदर जाएगा लेकिन फ्लूड वापस जब आएगा इधर से, मान लीजिए फ्लूड आएगा इधर वापस जब आएगा तो क्लोज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको लगाया गया। जब फ्लूड आएगा तो इसको प्रेशर से ऊपर करेगा, ठीक तो फ्लूड अंदर जाएगा, लेकिन जब प्रेशर बाहर से इसके अंदर की तरफ आएगा तो फ्लूड इस पर प्रेशर डालेगा और ये बंद हो जाएगा और फ्लूड वापस नहीं जा पाएगा। यह काम होता है चेक वाल्व का। देखिए इसके भी कई टाइप्स हैं, स्विंग टाइप, लिफ्ट टाइप, ओवर प्लेट टाइप, स्टॉप चेक वाल्व। इसके कुछ देखिए नॉन रिटर्न वाल्व इसको कहते हैं आल्सो, बैक फ्लो के लिए ये हमें बचाता है। ओपन विल रिवर्स फ्लो विल क्लोज। देखिए जब प्रेशर ऑफ फ्लूड पासिंग थ्रू द पाइपलाइन ओपन द वाल्व, मतलब जब प्रेशर जाता है तो ये ओपन होता है एंड देन क्लोज्ड जब रिवर्स प्रेशर आता है तो। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्लग वाल्व। देखिए प्लग वाल्व, प्लग वाल्व का भी काम होता है ओपन और क्लोज। 90 डिग्री पे ओपन होता है। देखिए इसको जब हम ऐसे घुमा देंगे, ये 90 ऐसे है, जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, जब इसके इक्वल हो जाएगा तब यह यहाँ से वाटर फ्लो होगा। ये होता है प्लग वाल्व का काम, सिर्फ ऑन और ऑफ सर्विस के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसको बॉल वाल्व भी कहते हैं। बॉल वाल्व का भी वही काम होता है ऑन और ऑफ का। यहाँ पे जैसे प्लग की जगह पे हम बॉल का यूज़ करेंगे तो बॉल वाल्व का भी हो गया बॉल वाल्व का यूज़। देखिए प्लग कॉक वाल्व और बॉल वाल्व दोनों, आल्सो इसको प्लग वाल्व भी कहते हैं। समझ समझिएगा कि कहीं पे अगर लिखा हो डायरेक्ट प्लग वाल्व तो आप गड़बड़ मत करिएगा, ऑन ऑफ सर्विस के लिए किया जाता है। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखेंगे डायफ्राम वाल्व। डायफ्राम वाल्व का यूज़ हम लोग करते हैं हाईली विस्कस फ्लूइड क्रोजी सलरी के लिए, इसका यूज किया जाता है डायफ्राम वाल्व का। यहाँ से आएगा इधर से निकलेगा फ्लूइड, डायफ्राम लगाए, फुल बॉडी है, स्पेंडल स्ट्रीम ऊपर नीचे करने के लिए इसको, ताकि फ्लूइड पास हो सके। और बटरफ्लाई वाल्व को भी देख लेते हैं। देखिए बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व भी देखिए, बटरफ्लाई वाल्व इज लाइक डायफ्राम, मतलब कि बटरफ्लाई का भी वर्क डायफ्राम के ही जैसे है, बट डिफरेंस क्या है, बट लार्ज साइज डाया, बट लार्ज साइज पाइप में इसका यूज करता है। जहाँ पे साइज जो क्या होता है, जो डाया होता है, क्या बोलते हैं, डाया होता है पाइप का, वो बहुत लार्ज हो तहाँ पे हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं। इसका भी काम वही विस्कस फ्लूइड और कोरोजी फ्लूइड सलरी के लिए ही यूज होता है। चलिए देखते हैं कंट्रोल वाल्व। देखिए कंट्रोल वाल्व भी ऑटोमेटिक वाल्व होता है।
ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व। दे ऑपरेट इलेक्ट्रिकली और प्यूमेटिकली, ठीक। मतलब इसको इलेक्ट्रिक से भी हम चला सकते हैं और अदर मोटर लगा के इसको चला सकते हैं, ठीक। इसका भी काम होता है ऑन ऑफ सर्विस, सिर्फ ऑन और ऑफ। देखिए इसको ऊपर उठाएंगे, फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक। स्क्रूज लगे हैं एयर आने के लिए, ताकि इसको नीचे किया जा सके, ठीक। ये नीचे आएगा तो बंद हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो फ्लो होगा इधर से, ठीक। यह काम होता है, ये लगाए गए स्प्रिंग्स और ये स्क्रू, ताकि ये ऊपर जा सके। जो ये पाइप है इसका जो लगाया गया है वो ऊपर नीचे हो सके, इसीलिए ये डायफ्राम लगाया गया है, ठीक। इसके बाद से हम लोग देखेंगे नीडल वॉल्व। देखिए नीडल वॉल्व का फिगर बुक मैंने दिया था, तो हम बनाए हैं खुद के, ठीक। नीडल वॉल्व का देखिए फिगर है, यही ऊपर, इसी को हम लोग ऊपर उठाते हैं तो यहाँ से जाता है इसका। इसमें भी प्रेशर ड्रॉप हाई होता है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको, ठीक। 1 मिनट, देखिए नीडल वॉल्व क्या मॉडिफिकेशन है, किसका, ग्लोबल वॉल्व का। इसका मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे नीडल का यूज़ किया गया है, बस वही डिफरेंट था। एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल के लिए, मतलब कि हमें चाहिए अगर कि वो 20 मीटर के, मतलब 20 PSI का प्रेशर ड्रॉप मारे लगाए, तो उसके लिए है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्रेशर ड्रॉप को, एक्यूरेट कंट्रोल कर सकते हैं जितना चाहें उतना, इसीलिए इसके लिए यह है, ठीक। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पंपिंग डिवाइस क्या होते हैं, ठीक। एंड थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए। अगर कोई दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक। थैंक यू सो मच।